वेलकम 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 सोनिया, आओ हम अपनी शादी का अनाउंसमेंट करते हैं। नो सर, अनाउंसमेंट मैं करूंगी, लोगों के लिए सरप्राइज होगा। यस यस, जल्दी करना। ओके। सोनिया, अच्छा मौका है, हम अपनी शादी का अनाउंसमेंट कर देते हैं। डोंट वरी, मैं वही तो करने जा रही हूँ, तुम्हारे डैड और मेहमानों को सरप्राइज देने जा रही हूँ। ओके, तो जल्दी जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से सुनिए, दिल थाम के सुनिए, क्योंकि अब जो अनाउंसमेंट मैं करने जा रही हूँ, उस अनाउंसमेंट से आप सबके दिलों की धड़कनें रुक जाएंगी। आप सबके दिलों की धड़कनों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। सच कहूँ तो इस वक्त मेरे दिल की धड़कनें भी उतनी ही तेज हैं जितनी की आपकी, क्योंकि आज मैं इतने बड़े एम्पायर की मालकिन बनने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं इस एम्पायर के मालिक के साथ शादी करने जा रही हूँ। अरे भाई सिंगानिया, मुबारक हो, बड़े छुपे रुस्तम निकले, इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी, मुबारक हो। एक मिनट, आप इन्हें क्यों मुबारकबाद दे रहे हैं? आप मुझे मुबारकबाद दीजिए। सोनिया, सोनिया तो मुझसे शादी करने वाली है। चुप करो लकी, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारी होने वाली माँ है। आप चुप करिए डैडी, आपको शर्म नहीं आती? वो आपकी होने वाली बहू है। शट अप, शट अप, मुझे भी बोलना आता है। सोनिया, अरे अरे, आप लोग झगड़ने क्यों लगे? मैं शादी आप दोनों में से किसी से नहीं, बल्कि इस एम्पायर के असली मालिक के साथ करने जा रही हूँ। हाँ? और वो शख्स है मिस्टर राहुल। ये क्या बकवास है? यही हकीकत है। राहुल, तुम? राहुल अग्निहोत्री कहिए मिस्टर सिंघानिया। राहुल अग्निहोत्री, तुम कौन हो? भूल गए, मैं उसी मनीष अग्निहोत्री का बेटा हूँ जिसकी इतनी बड़ी एम्पायर को तुमने धोखे से अपना लिया था। अग्निहोत्री साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप मुझे कमीना कहें या मक्कार, लेकिन आपकी लापरवाही और बेवकूफी ने मुझे मौका दिया जिसका मैंने पूरा फायदा उठाया। आपके विश्वास पर मैंने चालाकी की मोहर लगाकर आपकी सारी जागीर अपने नाम कर ली है। नो सर, प्लीज गेट आउट। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है मिस्टर सिंघानिया, याद रखना, तू भी इसी तरह रास्ते पर आएगा और उस वक्त तुझे सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। थैंक यू सर, गेट आउट। क्यों, याद आ गया? अरे पागल हो गया तू, ये सारा का सारा एम्पायर मैंने अपने बलबूते पे खड़ा किया है। झूठ बोलते हो तुम, मेरे डैडी ने खून पसीना एक करके इस एम्पायर को खड़ा किया था, तुमने तो सिर्फ धोखे से कब्जा किया था। कब्जा किया था और अब तू कब्जा करेगा? अरे तू क्या समझता है कि इतनी आसानी से कब्जा हो जाता है? वकील साहब, जरा इनकी गलतफहमी को दूर कीजिए। सिंघानिया साहब, कानूनन आप अपना सारा का सारा एम्पायर, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस भी मिस्टर राहुल अग्निहोत्री के नाम कर चुके हैं। ये झूठ है, भला मैं क्यों इसके नाम पे सब कुछ कर दूंगा? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने सब कुछ इसके नाम कर दिया है? सबूत? सबूत के तौर पर कोर्ट की ये पेपर्स हैं। ये देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी साइंड बाय यू। धोखा है, धोखा है, धोखा है, इसने धोखे से मुझसे साइन करवाया है। जी हाँ, उसी तरह जैसे आपने मेरे डैडी से साइन करवाए थे। ऑफ कोर्स आई डिड इट विद द हेल्प ऑफ माय बिलवर्ड। सोनिया, इससे पहले मैं आप दोनों को धक्के मार के निकाल दूं, इज्जत से चले जाओ। राहुल बेटे, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन हमारी इज्जत के बारे में तो सोचो, कहां जाएंगे हम? क्या तुमने इनके डैड को निकालते वक्त ये सोचा था? हाँ,
शुक्र करो कि तुम्हारे कीमती कपड़े नहीं उतरवा रहे। Just get out. Come on, lad. Cheer up. वो कहते ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। चले। Lucky, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना तू हक 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 हकलाता और ना सोनिया की एंट्री हमारे लाइफ में होती। अच्छा, सारा इल्जाम मुझे देना, अपनी कुछ मत कहना। ये सब आपके ठरकपन की वजह से हुआ है, ना आप इतने ठरकी होते। लक्की बेटे, तू बिल्कुल सही कह रहा है। देख, आज से हम दोनों एक वादा करते हैं कि जिंदगी में किसी भी लड़की से प्यार नहीं करेंगे। राइट डैड, पर वैसे हम दोनों फुटपाथियों से प्यार करेगा कौन? हाय हाय, मैं हूँ ना। भाग, प्लीज डोंट गो, आई एम हियर, प्लीज कम ऑन, आई एम योर्स, प्लीज कम बैक यू नॉटी बॉय।